अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल। इसको हम कहते हैं भुनी मूंग की दाल। खुश्क बनाएंगे इसे हम। ये देख लें, ये मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दी थी। 1 कप दाल है ये हमारे पास। इसमें हम तकरीबन 1/4 कप ऑयल यूज़ करेंगे। एक छोटी सी प्याज है हमारे पास और एक छोटा सा टमाटर है। मैं मिर्चें कम डाल रही हूँ, इसलिए मैं ज़रा कलर के लिए टमाटर ऐड करूँगी। अगर आप मिर्चें ज़्यादा डालें तो टमाटर के बग़ैर भी बना सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 2 टेबल स्पून। गरम मसाले में हमारे पास बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, एक बड़ी इलायची है काली, और 3 लौंगें, और कोई 10-12 काली मिर्चें साबुत, सफ़ेद ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, एक चुटकी तकरीबन अजवाइन है पिसी हुई पाउडर बना हुआ, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च है और 1 ही टीस्पून नमक है। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। जी, हम ऑयल डालेंगे। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। अब हम प्याज डालेंगे। और साथ में गरम मसाले जो हैं ये सब डाल देंगे। जी, प्याज हमारी हो गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जीरा ऐड करेंगे। सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसमें अभी लहसुन अदरक का पानी है, लिहाजा हम चूल्हा थोड़ा सा हल्का करके और इनको टमाटरों को सॉफ्ट करेंगे हल्की आंच पे। देखेंगे, ये देखिए हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। इनको थोड़ा सा चम्मच से मैश कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। पानी डालेंगे। दो कप पानी डाला है मैंने। जब ये अधगली रह जाएगी फिर हम इसे दम पे लगा देंगे। ये देखें, ये मीडियम
मीडियम आंच हमने इसकी रखी हुई है, चूल्हे को हमने मीडियम रखा हुआ है, ये पक रही है और अब हम इसको हल्का कर देंगे और 10 मिनट बाद फिर हम देखेंगे। चूल्हे को हम हल्का कर देंगे, अब ये हल्की आंच पर इसको ढाक देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। जी अब हम इसे चेक करेंगे, हल्की आंच पे पक रही है और हो गई है ये। जी दाल गल गई है हमारी, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और गलाना चाह रही हूँ, 5 मिनट और दूंगी इसे। थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और जो कसर रह गई है वो भी ठीक पूरी हो जाएगी। 5 मिनट के लिए हम और इसे बंद कर देंगे। जी दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी हमारी मज़ेदार मूंग की दाल तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनी है। इसको हमने गार्निश किया है प्याज, पुदीना, अदरक और हरी मिर्चों और नींबू के साथ। इसके साथ पुदीना और प्याज हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, आप भी इसी तरह सैलेड बना के साथ में इसके खाइएगा, बहुत मज़े की लगेगी। इसको चपाती के साथ खाएंगे आप, बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाएं और मुझे फीडबैक भी दें कि आपकी कैसी बनी। ये बहुत मज़ेदार लगती है, लाइट सी बिल्कुल, मसाले भी इसमें इतने नहीं हैं, रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।